हेलो हाय एवरीवन, दिस इज इंजीनियर निखिल पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटोर इंजीनियर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट द डिटेल एनालिसिस ऑफ द राउंड वन सीट अलॉटमेंट बाय द एमसीसी। सो लेट्स डाइव इन। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड नीट कट ऑफ वी हैव टू टेक फॉर द अपकमिंग राउंड टू काउंसलिंग फॉर द सीट अलॉटमेंट फॉर द एमसीसी। और वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द एमसीसी राउंड वन सीट अलॉटमेंट इन द डिटेल एनालिसिस। तो अगर इस बार के अगर एमसीसी की जो राउंड वन की अगर सीट अलॉटमेंट की अगर बात करें तो इस बार जो कट ऑफ रहा है वो 570 प्लस के आसपास रहा है, किसका, आपका अनरिजर्व कैटेगरी का, ओबीसी का। और अगर बात एससी कैटेगरी की करें तो 450 से 440 के बीच में रहा हुआ है। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो वो 430 से 440 रहा। तो एससी कैटेगरी का कितना रहा आपका 450 टू 460 और एसटी कैटेगरी आपका रहा 430 टू 440। अब ये तो जिनको मिल गया उनको मिल गया। अब जो नेक्स्ट के लिए जो सोच रहे हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जो आपके राउंड टू काउंसलिंग होगी तो उसमें आप बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एम्स की तरफ जाएंगे, जिपमर की तरफ जाएंगे, स्टेट कोटा काउंसलिंग की तरफ जाएंगे, तो उसमें जो है आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी कंपेरेटिव टू राउंड टू में। उसके बाद एक और राउंड बचेगा आपका मोपअप राउंड। मोपअप राउंड को भी लेके काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन है। मोपअप राउंड तब का हेल्ड होता है जब राउंड वन और राउंड टू से सीट अलॉटमेंट होने के बावजूद भी आपकी जो है सीट वैकेंट जाती, उस वैकेंट सीट को भरने के लिए आपके लिए जो क्या रहेगी मोपअप राउंड रहेगी। इन केस अगर आपको राउंड वन राउंड टू में अगर सीट अलॉटेड हुई देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेट इन द मोपअप राउंड। मोपअप राउंड में कौन पार्टिसिपेट हो सकता है जिसको राउंड वन राउंड टू में सीट नहीं मिली, डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द मोपअप राउंड। प्लस अगर मान लीजिए आपने राउंड वन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द राउंड टू काउंसलिंग। अगर मान लीजिए आपने राउंड वन में जो चॉइस फिलिंग की ड्यू टू सम रीजन आपको मिला नहीं मिला, इट डजेंट मैटर, आप चाहे तो फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं राउंड टू के लिए। प्लस जो बच्चों ने राउंड वन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया दे कैन डायरेक्टली रजिस्टर फॉर द फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर द राउंड टू काउंसलिंग। और जिसने राउंड वन और राउंड टू में भी पार्टिसिपेट नहीं किया है दे कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द मोपअप राउंड। ये मैं आपका डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। प्लस आप चॉइस फिलिंग भी जो है कर सकते हैं। और इसकी अगर शेड्यूल की बात करें तो आपका जो आपको तैयार हो जाना है फर्स्ट ऑफ वीक ऑफ अगस्त से, उससे आपकी काउंसलिंग के जो शेड्यूल स्टार्ट होने चालू हो जाएंगे। जो आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन है उसका जो डेट आ रहा है वो 13 to 15 अगस्त 2019 के बीच में का। रिमेंबर वन थिंग दैट डेट्स आर टेंटेटिव, है ना। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की जो बात रहेगी आपकी वो 16 अगस्त से होगी। और आपको जो रिपोर्ट करना रहेगा एलोकेटेड सेंटर्स को इट शुड बी इन बिटवीन द 20 to 26 अगस्त 2019। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो बच्चों देखिए मैंने अगर 570 कहा तो 20 30 40 नंबर के बीच में आप कम मान के चलिए आपकी जो है प्रोबेबिलिटी सेकंड राउंड के लिए रहेगी। वैसी एससी की कैटेगरी की अगर बात करें अगर हम 450 टू 460 तो 20 30 40 तक कम लेके चलिए तो 420 तक अगर आप सेफ मान के चलिए। और अगर बात हम एसटी कैटेगरी की कर रहे हैं तो आप मान के चलिए 400 नंबर भी अगर आपका आ रहा है तो आप राउंड टू में बड़े आसानी से आपको जो है 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो है आपको सीट्स मिल जाएगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इफ यू आर बिलोंगिंग अनरिजर्व कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी देन योर मार्क्स शुड बी 530 to 540 फॉर योर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। एंड इफ यू आर बिलोंगिंग टू एससी कैटेगरी देन योर मार्क्स शुड बी इन बिटवीन टू 420 एंड इफ यू आर बिलोंगिंग टू एसटी कैटेगरी देन योर मार्क्स शुड बी अंडर 400 प्लस मार्क्स। सो दैट्स आर द एक्सपेक्टेड नीट कट ऑफ फॉर द राउंड टू काउंसलिंग। अब जो है हम स्टेट कोटा काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे तीन स्टेट को लेकर भी काफ़ी डाउट आ रहा था, हरियाणा का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, तो मैं आपको हरियाणा का समझा देना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू अनरिजर्व कैटेगरी देन योर मार्क्स शुड बी 565 प्लस मार्क्स। अगर आपका 565 मार्क्स आता तो यू विल डेफिनेटली गेट एमबीबीएस सीट इन द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ योर स्टेट ऑफ हरियाणा थ्रू 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग। एंड इफ यू आर बिलोंगिंग टू एससी कैटेगरी देन योर मार्क्स शुड बी 465 प्लस मार्क्स। एंड इफ यू आर बिलोंगिंग टू एसटी कैटेगरी देन योर मार्क्स शुड बी 440 प्लस मार्क्स। तो ओबीसी का 5-7-10 नंबर के बीच में आप कम मान के चलिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ दैट इज योर राजस्थान। तो राजस्थान के लिए जो कट ऑफ रहेगा इफ यू आर बिलोंगिंग टू अनरिजर्व कैटेगरी देन योर मार्क्स शुड बी 580 प्लस मार्क्स। क्योंकि हरियाणा और राजस्थान का जो है कट ऑफ अदर स्टेट से ज़्यादा जाता है एक्सेप्ट दिल्ली, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। तो आपका अगर इफ यू आर बिलोंगिंग टू अनरिजर्व कैटेगरी योर मार्क्स शुड बी 580 प्लस मार्क्स देन यू विल डेफिनेटली गेट एमबीबीएस सीट इन द रिस्पेक्टिव मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ योर स्टेट राजस्थान। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज योर एससी कैटेगरी देन यू शुड नीड एटलीस्ट 485 प्लस मार्क्स। एंड इफ यू आर बिलोंगिंग टू एसटी कैटेगरी देन योर मार्क्स शुड बी 455 प्लस मार्क्स। तो ये आपकी रही एक्सपेक्टेड नीट कट ऑफ फॉर द स्टेट ऑफ राजस्थान। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट
वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश को लेके भी काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी, सर व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड नीट कट ऑफ. तो मैं 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू अनरिजर्व कैटेगरी तो आपके अगर 525 प्लस मार्क्स अगर आते हैं देन यू डेफिनेटली गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन योर रिस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेजेस इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. एंड इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू एससी कैटेगरी देन योर मार्क्स शुड बी 450 प्लस मार्क्स. एंड इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू एसटी कैटेगरी देन मार्क्स शुड बी 420 प्लस मार्क्स. तो 525-535 के बीच में आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी को जो है लेके चलिएगा. तो ये रहे आपके एक्सपेक्टेड नीट कट ऑफ. इवन तो यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस नीट काउंसलिंग और हैविंग एक्सपेक्टेड नीट कट ऑफ, यू कैन फील फ्री टू कमेंट इन अवर कमेंट बॉक्स एंड वी विल प्रोवाइड यू आंसर एज सून एज वी कैन. सो दैट्स ऑल. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू स्मैश द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एंड शेयर एज मच एज यू कैन. टिल देन बाय बाय.